अभी आप लिखेंगे कि ये कितना है और ये कितना है। अभी आप इसको इसमें जोड़ेंगे। अभी लिखिए कितना हुआ। अभी क्या किया हमने, हमारे पास पांच चीज़ें थे, उनको हमने तीन चीज़ों से मिला दिया, मतलब ये पांच और तीन को जोड़ दिया तो हमें मिले आठ। तो पांच और तीन जुड़ के बने आठ, और ये जोड़ने का या एडिशन ऑपरेशन को हम सिंबल यूज़ करते हैं प्लस। अभी ये क्लास में जब आप करेंगे एटलीस्ट एक पांच छः एग्जाम्पल के बाद ये इंट्रोड्यूस करेंगे, पहले ये इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे, ऐसा पांच छः बार सिर्फ जोड़ाएंगे बच्चों से, बच्चे आएंगे जोड़ेंगे नंबर लिखेंगे जाएंगे, ये आप सिर्फ मुंह में बताएंगे पांच और तीन जुड़ के बने आठ, इतना ही बताएंगे आप पर लिखेंगे नहीं। तो लिखना हमेशा लास्ट में सिखाएंगे, तब तक आप सिर्फ वो प्रोसेस, वो एडिशन मतलब क्या है, दो क्वांटिटीज का जुड़ना, joining two quantities, two or more, पर minimum two। अभी इधर एक और चीज़ जो होती है वो addition में commutative है ना, अभी five और three आठ हो गए, तो अभी क्या करेंगे हम three और five भी करवाएंगे बच्चों से और उनको दिखाएंगे कि three और five भी eight है। तो बच्चों को क्या मालूम होता है, इसमें से पाँच और तीन कैसे भी डालो जब वो जुड़ते हैं तो आठ ही बनते हैं, तो पाँच पहले आता है या तीन पहले आता है इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पाँच और तीन कैसे भी आएंगे जुड़ के वो हमेशा बनेंगे आठ ही, कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ। पर ये टर्म्स अभी बताने का ज़रूरत नहीं है बच्चों को, सिर्फ आप ये कॉन्सेप्ट बताएंगे कि ये इंटरचेंज करने से, नंबर्स इंटरचेंज करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। एक और चीज़ जो है वो है एडिशन बाय ज़ीरो। अभी कितने हैं आपके पास, चार, तो सर के पास चार रिंग्स हैं ओके, और मैंने उनको अभी कितने हैं पांच है, अभी कितने हैं दो, अभी मैंने दो और दिए तो तीन था आपके पास, दो और दिए तो पांच, अभी मैंने कितने हैं पांच, तो अभी मैंने क्या डाला, कुछ नहीं डाला। तो अभी जब मैं कुछ नहीं डालती हूँ तो क्या होता है, जितना उनके पास था उतना ही रह जाता है, तो इधर उनके पास फाइव था, मैंने कुछ नहीं दिया तो उनके पास रह गया फाइव ही, तो एडिशन बाय ज़ीरो। जब हमारे पास एक क्वांटिटी है और हम कुछ उससे जोड़ते नहीं हैं, इट इज़ सिंपल लॉजिक, वो सिर्फ बच्चों को बताना है उतना ही, वो लॉजिक सिंपल है, उतना सारा सोचने का कुछ नहीं है। तो एक क्वांटिटी है, कुछ नहीं मिलाया तो वही क्वांटिटी रह जाती है, पर उसका एब्स्ट्रैक्ट मोर इम्पॉर्टेंट है, तो वो कॉन्क्रीट उनको समझ में आएगा। तो फाइव और कुछ नहीं जोड़ा तो भी फाइव है, मेरे पास कुछ नहीं है और आप उसमें पाँच जोड़ देते हो, मेरे पास कुछ नहीं है आप उसमें पाँच जोड़ देते हो, जितना जोड़ा उतना ही आता है, हमेशा 5 प्लस 0 या 0 प्लस 5 इज ऑलवेज द नंबर इटसेल्फ, ये एक रूल आप सिखाएंगे। तो अगर हमें एडिशन इसमें करना है स्क्वायर लाइन बुक में, तो हम पहले वो 2 प्लस 3 करना है तो 2 स्क्वायर्स ओके, 2 स्क्वायर्स और नीचे के लाइन में ये छोड़ के 3 स्क्वायर्स करेंगे, मतलब दूसरा नंबर इधर से स्टार्ट करेंगे, तो ये जो सारा लाइन है वो है उसका आंसर ओके। तो ये पहला नंबर टू, ये दूसरा नंबर थ्री, और ये जो इधर से इधर तक स्क्वायर्स मिलेंगे वो है उसका एडिशन। अगर कलर पेंसिल का इस्तेमाल करना है तो ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों सही है, क्योंकि इधर भी जुड़ रहा है इधर भी हम जोड़ रहे हैं। और एब्स्ट्रैक्ट में तो ये जैसे हमने लिखा 2 + 3 = 5। अभी एडिशन में एक और चीज़ होता है जो हम बोलते हैं नंबर बॉन्ड्स। जब हम एडिशन कर रहे हैं जैसे एडल्ट्स, अभी आपने तीन और छः देखा, इमिडिएटली आपका ब्रेन क्या बोलेगा, नाइन। आपने कभी ऐसा किया है, नहीं, क्योंकि आपको बॉन्ड्स मालूम है, छः तीन हमेशा नौ बनते हैं, सात तीन दस, दो एक तीन,
तो इसको बोलते हैं हम नंबर बॉन्ड्स. तो ये बच्चों को सिखाते हैं. या एडिशन टेबल भी ऐसे ही बनता है. नंबर बॉन्ड्स और एडिशन टेबल में थोड़ा बहुत फ़र्क है. एडिशन टेबल में हम 1+0, 1+1, 1+2 ऐसे सिखाते हैं. पर नंबर बॉन्ड में एक कैसे कैसे बना सकते हैं, दो कैसे कैसे बना सकते हैं, सात कैसे कैसे बना सकते हैं, ये सिखाते हैं. क्या दो नंबर मिलके वो नंबर बनता है, वो बॉन्डिंग. जैसे अभी पाँच का अलग अलग नंबर बॉन्ड्स. पाँच कैसे बनता है, कैसे बनेगा? पहले एक और चार, एक और चार पाँच, दो और तीन पाँच, तीन और दो पाँच, चार और एक पाँच, पाँच और ज़ीरो भी पाँच. तो ज़ीरो और पाँच भी पाँच. तो ज़ीरो और पाँच पाँच, एक और चार, दो और तीन, तीन और दो, चार और एक, पाँच और शून्य. उसमें तीन चार कम्यूटेटिव है. तो अभी रिप्रेजेंटेशन में करना है तो स्क्वायर लाइन बुक में आप पहले पाँच ऐसे ही लिखेंगे. तो पाँच और शून्य हो गया, एक नीचे चार ऊपर रखा तो एक और चार, दो और तीन, तीन और दो, चार और एक, पाँच और शून्य. नंबर बॉन्ड्स. तो नंबर बॉन्ड्स हम कैसे एब्स्ट्रैक्ट में लिखते हैं? 0+5 5, 3+2 5, 4+1 5 और 5+0 5. तो नंबर बॉन्ड्स हमें क्या सिखाते हैं, क्या क्या नंबर मिला तो क्या बनता है, ये किधर यूज़ होता है? बाद में जब आप एब्स्ट्रैक्ट में ऐड करेंगे तो ये नंबर बॉन्ड्स का नॉलेज होने से जल्दी जल्दी आप ऐड कर सकते हैं. हर बार काउंटिंग करके ऐड करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है. अभी प्लेस वैल्यू मैट में जो आपका वंस का घर है उसको तीन पार्टीशन कीजिए, तीन. अभी हम ऐड करेंगे 2 और 3. सो 2+3 करेंगे. तो 2+3 करने के लिए पहले आप रखेंगे दो येल्लो क्यूब इधर और तीन येल्लो क्यूब इधर. रखिए 2 पहले घर में रखिए, 3 दूसरे वाले में रखिए. सभी फर्स्ट एक के घर में ही, येल्लो क्यूब्स के घर में, ठीक है? ये पहले पार्टीशन में 2, दूसरे पार्टीशन में 3. अभी हम तब काउंटर्स में क्या किया, जोड़ना मतलब साथ लाना. तो क्या करना है, अभी इसको खींच के इधर लाना है और इसको भी खींच के नीचे लाइए, खींच के नीचे लाइए. तो हो गया जोड़ने का काम. अभी काउंट कीजिए. 2 क्वांटिटी है, पहला क्वांटिटी पहले पार्टीशन में, दूसरा क्वांटिटी दूसरे पार्टीशन में. ऐड बोला तो बच्चों को नीचे लाना है, काउंट करना है, लिखना है. +5 6 पहले रखिए, 5 नेक्स्ट में रखिए. ऐड ऐड, जब भी एक के घर में 9 से ज़्यादा लोग आते हैं क्या करना है? हाँ, आपने पहले से सिखाया है, एक के घर में सिर्फ 9 लोग रह सकते हैं. अगर ज़्यादा है तो एक्सचेंज. हाँ, कितने एक्सचेंज करने हैं? 10 को देके एक बैंक से रॉड लेना है. लीजिए. हाँ, अभी कितने बचे हैं, एक के घर में कितने बचे? 1 लिखिए. और 10 के घर में कितने हैं वो भी लिखिए. कितना है आंसर? 11. इधर आप देखेंगे कि आपको अलग से कैरी का कॉन्सेप्ट लाना ज़रूरी नहीं है. क्यों? पहले से आपने ये एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट सिखाया है, कैरी को लेके जाएंगे तो ये बहुत आसान होता है. और उनको मालूम है वो कैरी कैसे आया, इधर से जो 10 है वो कैरी बन के इस तरफ आ गए. अभी हम करेंगे 2 डिजिट. +45. अभी जब 2 डिजिट है तो पहले किसको जोड़ेंगे? आप बच्चों को बताएंगे हमेशा वंस को पहले जोड़ेंगे, वंस के जुड़ने के बाद ही टेंस को जोड़ेंगे. तो पहले वंस को जोड़ना है, आंसर लिखना है, बाद में टेंस को जोड़ना है. क्योंकि वो लिखते वक्त उनको मालूम रहता है कि 10 से ज़्यादा है, तो जब लिखेंगे तब मालूम रहेगा कि 10 से ज़्यादा है. अभी ये ट्राई कीजिए, 49+36. ऊपर ही रखिए, ऊपर.
हाँ वो घर का जो लेबल है उधर, और या उसके ऊपर भी रख सकते हैं आपकी मर्जी। तो बच्चे को अभी ठीक से मालूम हो गया कि वो अलग है, वो कैरी है, वो किधर से बाहर से आया है, वो मेरे नंबर में से नहीं आया है, इधर से बाहर से आया है। अब जब आप टेंस जोड़ेंगे तो पहले नंबर का टेन के साथ दूसरे नंबर का टेन और कैरी का टेन भी जोड़ेंगे। तो जब जोड़ेंगे तीनों साथ में जोड़ के तीसरे बक्से में लाएंगे, तब तक नहीं जोड़ेंगे, ठीक है। तो जब आप जोड़ेंगे कैरी पहले वाला टेन दूसरे नंबर का टेन सभी साथ में तीन तीसरा बॉक्स में ला के काउंट करेंगे। प्रोसीजर मालूम हो गया? जो कैरी आ रहा है उसको ऊपर रखेंगे, किसी नंबर में नहीं रखेंगे, और बाद में छोड़ेंगे। तो ये है टू डिजिट विद कैरी और विदाउट कैरी, दोनों हो गया। अभी एक जो एडिशन का कॉन्सेप्ट है वो है नंबर लाइन पे एडिशन करवाना, प्लेस वैल्यू का नहीं। बेसिक एडिशन कैसे नंबर लाइन पे करना है डेमो के साथ खत्म करेंगे, काउंट करके उसको दिखाना। देखिए ऑब्जर्व कीजिए, एक दो तीन चार पाँच, वेरी गुड। अभी क्लिप डालो, हाँ अभी आप आओ, एक चार छो। अभी इधर कितना है? पांच। इधर कितना है? छः। अभी ये दोनों मिलाना है तो क्या करना है, जुड़ना है तो कोडिया में बनो। हाँ क्या करना है? हाँ आओ काटो। अभी कितना है? तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह, पाँच छः बचल ग्यारह, ओके पाँच और छः मिला तो ग्यारह, ठीक है। ये है नंबर लाइन पे एडिशन। इसमें 100 तक जिसका सम आता है वो दो नंबर कर सकते हैं, सम 100 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो कोई भी टू डिजिट नंबर जिसका सम 100 से कम है वो इसमें कर सकते हैं। अभी 21, ओके 21 और 13 करेंगे। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस कोड़े एक। तो ये हो गया इक्कीस, 21। अभी इसको जोड़ेंगे 13, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह इक्कीस तेरह मिसे हो जाओ। अभी ये दस दस है, हाँ तो दस बीस हाँ तीस चौतीस हाँ 34 करेक्ट। तो ये है दो टू डिजिट नंबर नंबर लाइन में अगर करना है तो कैसे करना है। छोटे बच्चों के साथ थोड़ा और स्लोली करना है, फास्ट नहीं कर सकते, आराम से काउंटिंग करवा के करवाना है उतना ही। कॉन्क्रीट में हो गया है। अभी मैं इसका रिप्रेजेंटेशन पहले बताऊंगी और एब्स्ट्रैक्ट, पहले मैं रिप्रेजेंटेशन दिखाती हूँ, उसके बाद प्ले मनी के साथ थ्री डिजिट फोर डिजिट और एबकस में फोर डिजिट फाइव डिजिट ये सभी एडिशन सीखेंगे। तीनों का रिप्रेजेंटेशन सेम है, रिप्रेजेंटेशन चेंज नहीं होता है, रिप्रेजेंटेशन वही है। तो रिप्रेजेंटेशन पहले सिखाती हूँ। पहले ये तीन घर बनाएंगे, पहले ये पहला वाला नंबर दूसरे वाला नंबर और आंसर के लिए 23 प्लस 45 करें, चार पाँच छ सात आठ, ओके। तो मैं सर्कल क्यों डाल रही हूँ, मैंने काउंट किया ये दिखाने के लिए सर्कल डाल रही हूँ। तो मैंने सर्कल डाला मतलब काउंट करके हो गया, नहीं तो छूट जा सकता है, बच्चों को छूटता है कभी कभी नंबर्स, इसलिए सर्कल डाला तो काउंटिंग हो गया, यूनिट्स हो गया, ऐड करके हो गया। 1 2 3 4 5 6 68। तो उधर हमने जो किया वही किया, दो दो जोड़े दो दो जोड़े और लिखा। ये है विदाउट कैरी, 79 प्लस 16, पहले है 79 करेक्ट,
अभी है 16, करेक्ट? ओके, अभी पहले किसको ऐड करना है? वंस प्लेस को ऐड करना है. तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 क्या हो गया? 10 मतलब? हाँ, अभी 10 को एक ग्रुप बना के इधर भेजना है, एक 10 को. तो इसीलिए इसको सर्कल करेंगे, मतलब उसको भेज दिया, एक्सचेंज कर लिया. तो ये एक स्टेप. अभी क्या है, सिर्फ और बचा है, उसको भी काउंट करना है. तो 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 इधर आंसर है 5. वंस का काम हो गया? वंस का काम हो गया? नहीं हुआ, वंस का हो गया. अभी टेंस, टेंस में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 आंसर है 95. ये है कैरी. तो इसके लिए आप एक अलग बॉक्स रख सकते हैं, कैरी बॉक्स, और उसको कैरी बॉक्स में डाल सकते हैं. एब्स्ट्रैक्ट में 9 + 6 9 10 9 10 11 12 13 14 15 ऐसे सिखाते हैं हम काउंटिंग फॉरवर्ड. तो 9 से 10 11 12 13 14 15 तो इधर 15 में कितना 10 और 5 कितना 10 है 110 और 5 तो 110 इधर लाए तो कितना बचता है 5 और वो 110 7 और 1 से मिलाया तो 7 8 9 10s हो जाते हैं 95. अभी ये बच्चों को ये एब्स्ट्रैक्ट में कैरी किधर से आया ये याद रहता है. कैरी किधर से आया है? यूनिट्स के 10 में से, यूनिट्स का एक 10 कैरी बन के आया है. तो ये कैरी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है उनको, ये कैरी किधर से आता है और वो कैरी क्या है. वो एक्चुअली एक 10 है. एबाकस में अभी 24 + 33 करना है. पहले हमें रिप्रेजेंट करना है. तो 24 तो 1, 2, 3, 4 और 1, 2 24. अभी इसके साथ क्या ऐड करना है? 33. तो 33 मतलब 3 ब्लू और 3 येलो, करेक्ट? येलो को येलो के सामने रखेंगे 3 और ब्लू को ब्लू के सामने रखेंगे और पहले चेक करेंगे 24 करेक्ट है क्या और 33 करेक्ट है क्या. पहले नंबर्स को चेक करना है. अगर आपका नंबर ही गलत है तो बाद में आंसर गलत आएगा. अभी जब नंबर्स ठीक है तो स्टार्ट करेंगे. पहले क्या ऐड करना है? यूनिट्स. ओके, अभी कितना है इसमें? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इधर चौक में लिखेंगे 7. ओके, अभी इसको ऐड करेंगे. अभी कितना है इसमें? 1, 2, 3, 4, 5 इधर चौक में 5. तो आंसर है 57. 57. तो विदाउट कैरी पहले हमने पहला नंबर रखा है बकस में, दूसरा नंबर उसके नीचे ही रखा पर प्लेस वैल्यू के हिसाब से ही रखा. पहले यूनिट्स को ज्वाइन किए, काउंट किया, आंसर लिखा. टेंस को ज्वाइन किया, काउंट किया, आंसर लिखा. दिस इज विदाउट कैरी. अभी एबकस में हम ट्राई करेंगे 2,415 पहले अबकस में रखेंगे. अभी आप 7,678 नीचे रखिए. अभी ऐड करते वक्त क्या हो रहा है? ये भर रहा है.
मतलब क्या है, 10 से ज्यादा है, 10 से ज्यादा है। अभी ये स्नैप ऑन रॉड डालेंगे और फिनिश करेंगे एडिशन, पहले एडिशन फिनिश करेंगे। अभी कितना निकालना है, 10। दस निकाल के दिया तो क्या मिलेगा, एक ब्लू। ओके, तो वो कैरी है। अभी कैरी को इससे मिलाएंगे। अभी इसका तो हो गया है, अभी क्या करना है, ये वाला ऐड करना है। अभी इधर ज्यादा आ रहा है, मतलब 10 है। 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 दिए तो मुझे मिलेंगे एक, उसको इधर रखती हूँ। अभी साथ में सभी, अभी इधर भी ज़्यादा है, मतलब 10 है और एक वाइट। ओके, तो इसके लिए ये स्नैप ऑन रॉड दिए गए हैं। जब भी आप ये स्नैप ऑन रॉड या एक्सटेंशन रॉड डालेंगे, उसका मतलब है कैरी है, कैरी है, 9 से ज़्यादा